हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई अब सर्दी भी जाने वाली है तो बसंत आने वाली है, तो चलो क्यों ना आज संडे है तो दोस्तों के साथ आज फ़न किया जाए और काइट्स का मज़ा लिया जाए। तो भाई तुम्हारा आज एक फिर से एक नया व्लॉग लेके आया कि कारीगर की काइट क्यों उड़ानी चाहिए और कैसे उड़ानी चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी भाई क्या बोलेंगे, चल मेरे भाई भाई चलते हैं और देखते हैं, चलते चलते गाइस। ये है स्टार काइट मेकर, जो बिट्टू काइट मेकर की पतंग है जो हम मार्केट से उस टाइम पे लेके आए थे। चलो इसको उड़ा के देखते हैं कैसी इसका मज़ा आता है कितना। गाइस अगर कारीगर की काइट उड़ाने का ये फ़ायदा है कि जितने भी हवा तेज़ या हो जाए आपका ये कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि ये नॉर्मल जो मार्केट काइट होती है इसमें इतना मज़ा नहीं होता। और कारीगर की काइट में ये फ़ायदा होता है कि आपके हिसाब से वो मुड़ भी जाएगी। ये देखो गाइस, अमेजिंग ऑसम व्यू। हाँ ये भाई पेचा लग गया मेरा उसके पीले वाले के साथ। अभी मेरी काइट हवा में नहीं है, नहीं तो मैं इसको बताता कैसे। ये भाई मैं चला इसके, इसके साथ भिड़ने के लिए। पेचा बहुत मस्त जा रहा है मेरा, मेरे तो काइट को हवा ही नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है कि इसमें जान ही नहीं है। चलो जी, ओ भाई गॉड, भाई गई मेरी, ओ भाई क्या करे, चलो क्या करे। भाई ये कौन सी काइट है, ये भी कारीगर की है? ये कौन से वाले कारीगर की है? ये बोला काइट हाउस। क्या बात है, बोले काइट हाउस की, बोला इलेक्ट्रॉनिक्स की काइट आगे जा रही है। हाँ भाई इसके साथ पेचा लगा, इसको काट अपनी काइट से, वो लगा यार पेचा। नहीं, वो क्या उतार रहा है? वो उतार रहा है यार। अरे क्या उतार रहा है, अरे उतारने दे उसको, तू उसको घर से ही उठा के ले जा काइट को। अरे भाई करना यार, नहीं 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 ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे बात नहीं बनेगी। गुटुफाड़ पर से। ओए ओए भाई 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 पेचा लग गया हमारा, ओ वो पीले वाले के साथ। तो गाइस आपको ये व्लॉग कैसा लगा तो मेरे को लाइक करके कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। अगर गाइस आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स मेरे चैनल पे
आगे भी आते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।